सुकुना को बहुत जल्द मारने वाला है। सुकुना यूजी को बोरिंग इस वजह से बोलता है क्योंकि सुकुना यूजी से डरता है। यूजी इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जेजेके। की नहीं हुआ ना, आगे देखो वीडियो को। जुजुत्सु काइजन की स्टार्टिंग से सुकुना ने यूजी को ये बोला है, यू आर बोरिंग, तू बहुत ज्यादा बोरिंग है। इवन इन लेटेस्ट चैप्टर सुकुना यूजी को कहता है कि मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर वहीं सुकुना दूसरे सोर्सरर को आराम से इज्जत दे देता है, उनको एडमायर करता है एंड काइंडा रिस्पेक्ट भी देता है। जैसे कि न्यू चैप्टर में सुकुना हिगुरुमा की पावर्स को एक्नोलेज करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। वहीं जब सुकुना की जोगो से फाइट होती है एंड उनके फाइट के लास्ट सीन पर सुकुना जोगो से कहता है कि बी प्राउड, यू आर स्ट्रॉन्ग। ये साला सुकुना यूजी को ही इज्जत क्यों नहीं देता? पर सुकुना ने कई बार यूजी की पावर्स को देखा है एंड उनको एडमायर करा है, पर उसने कभी भी यूजी से नहीं बताया क्योंकि यूजी से सुकुना डरता है। चैप्टर्स पहले चैप्टर 214 में यूजी वर्सेस सुकुना लड़ाई होती है। जब भाई सुकुना मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है तो यूजी को इतना गुस्सा आता है, उसको इतनी सफरिंग होती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जहां यूजी एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है एंड सुकुना उसकी दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा होता है। तभी यूजी उस बिल्डिंग से सुकुना की बिल्डिंग के ऊपर जंप लगाता है एंड गाइस जिस बिल्डिंग पे से यूजी जंप करता है उस बिल्डिंग का चूरा चूरा हो जाता है। सुकुना ये देखकर चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। पर सुकुना को क्या पता था कि उसके सामने आगे क्या आने वाला है। यूजी अपने मूवमेंट से, यूजी अपने अटैक से सुकुना को चौंका देता है। पर जब भी सुकुना कुछ ऐसी बात बोलता है जो कि कंफर्म करती है कि यूजी सुकुना का भाई है, सुकुना कहता है कि ओ तो ये लड़का उस समय का है। पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वीडियो में बने रहना। सुकुना अपने स्लैशेस से यूजी पर अटैक करता है एंड यूजी का बुरा हाल हो जाता है। पर भाई यूजी उसी एंगर में, उसी रेज में वहाँ खड़ा रहता है। यूजी ऐसे एंगर में होता है एंड वो ऐसा दिखता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसको स्लैशेस से हर जगह कट जाता है। एंड ये चीज देखकर सुकुना चौंक जाता है क्योंकि ये वो यूजी नहीं रहा जिसको सुकुना पहले जानता था। इतना कुछ होने के बाद भी सुकुना ने इतना कुछ देख लिया कि यूजी वो यूजी नहीं रहा जिसको वो पहले जानता था। इतना कुछ होने के बाद भी यूजी का सुकुना मजाक उड़ाने लगता है, उसको वो फिर से बोरिंग बोलने लगता है। एंड इसकी वजह है क्योंकि सुकुना को है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जिस पर्सन को ये होता है वो पर्सन दूसरे बंदे से अपने आप को बड़ा देखने लगता है। वो अपने आप को दूसरों से हमेशा बड़ा देखता है, मतलब बहुत ज्यादा सुपीरियर देखता है। वो अपने आप को कभी किसी से नीचा नहीं देखता, सबको वो अपने से नीचा देखता है, पर वो अपने आप को कभी किसी से नीचा नहीं देखता। एंड यही चीज सुकुना के साथ भी हो रही है। सुकुना कभी भी अपने आप को किसी से नीचा नहीं देखता। सुकुना अपने आप को कभी भी किसी से लूज होते हुए नहीं देखना चाहता। देखो सुकुना एक नॉर्मल सोर्सरर से किंग ऑफ कर्सेस बना है, तो अब जो उसका दिमाग है वो इतना ज्यादा मतलब वो हो चुका है, वो मतलब अपने आप को गॉड ही समझता है। वो किसी से भी अपने आप को हारते हुए नहीं देखना चाहता। पर बात ये भी है कि उसके मुकाबले का कोई है भी नहीं, पर सिर्फ एक ही बंदा है जो कि उसको हरा सकता है एंड वो और कोई नहीं, यूजी इतादोरी है। लगता है कि सुकुना को एक इनसिक्योरिटी है कि वो यूजी से हार जाएगा, पर वो इस बात को मानता नहीं है। जब सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर था तो यूजी ने कभी भी सुकुना को अपनी बॉडी फुल्ली कंट्रोल करने नहीं दी, मतलब वो जब चाहे अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर सकता था। सुकुना को पता है कि यूजी उसको हरा देगा, सुकुना इसी वजह से यूजी से फाइट अवॉइड करता है। सुकुना यूजी को इस बुलावे में डालता है कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वगैरह वगैरह। अब जो मैं तुम्हें दो पॉइंट बताने वाला हूँ उनको लास्ट तक सुनना, तभी तुम समझ पाओगे। एंड आखिरी वाले पॉइंट को तो कभी भी मिस मत करना। सुकुना यूजी को शुरू से ही बोरिंग बोलता आया है एंड इवन नाउ जब यूजी ने न्यू पावर गेन कर ली है, सुकुना यूजी को अब भी बोरिंग बोल रहा है, उसमें कोई नहीं दिखा रहा है। गेगे अकुतामी ने सुकुना की इंस्पिरेशन ली है एक माइथोलॉजिकल बुक से, एक जैपनीज बुक से जिसका नाम है नियोन शोकी। इसमें बताया गया है कि सुकुना एक चार हाथों वाला एंड दो मुंह वाला डीमन था, लेकिन उसके जो दो फेस थे, दो जो उसकी सुकुना की साइड थी, उसमें से एक जो उसकी साइड थी वो तो बिल्कुल ईवल थी, जैसे हम जुजुत्सु काइजन में सुकुना को देखते आए हैं। एक जो उसकी साइड थी, एक जो उसका फेस था, वो वाली साइड उसकी बहुत ज्यादा अच्छी साइड थी, मतलब
वो एक गुड साइड थी सुकुना की, जो कि कई बार लोगों की, इंसानों की मदद करती थी। पर जो इविल सुकुना था वो बहुत ज्यादा उस वाली साइड को बोरिंग समझता था, वो उसको बहुत ज्यादा बोरिंग बोलता था। वो कहता था कि मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम्हें सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही। सिंपली मेरे कहने का मतलब है कि यूजी इतादोरी सुकुना की गुड साइड की रीइंकार्नेशन है। भाई सुकुना बार बार यूजी को बोरिंग बोलता है। कई बार सुकुना एंड यूजी की कन्वर्सेशन से लगता है कि यूजी को सुकुना बहुत पहले से जानता है। एंड अगर ये मेरी थ्योरी सच हुई ना तो भाई मजा आ जाएगा। एंड मुझे लगता है कि ये थ्योरी सच हो सकती है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना ऐसी और वीडियो के लिए, एंड नोटिफिकेशन तो जरूर ऑन कर लेना। चैप्टर 214 में सुकुना ने ये कहा था कि यूजी इस समय का नहीं पहले समय का है। पहले समय से मेरा मतलब है हायनेरा। क्या हो अगर भाई की हायनेरा में यूजी जैसा कोई सुकुना का भाई हो, जिसको भाई सुकुना ने अब्सॉर्ब कर लिया हो, क्योंकि वो उसको बोरिंग लगता होगा एंड भाई कुछ ही काम का नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सुकुना का नाम है सुकुना, वो सुकुना का रियल नेम नहीं है। सुकुना का रियल नेम कुछ और ही है। सुकुना ने अपने भाई को अब्सॉर्ब कर लिया एंड उसको अब्सॉर्ब करने के बाद उसने अपने भाई का नाम अपने ऊपर रख लिया सुकुना। एंड यूजी के अंदर उसको अपना भाई ही दिखता है। एंड ऐसा हो सकता है कि यूजी सुकुना के भाई की रीइंकार्नेशन हो। लेकिन जो सच बात है वो हमें पता चलेगी जब हमें सुकुना की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। वैसे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।